Good evening, all of you. Blessed. First question, the linking of computer with a communication system is called. First of all, कम्युनिकेशन को प्रोसेस रह होचे दैट मे बी वेयर हे पारे किबा वायरलेस पर हे पारे तो जाने थे समझते तो फर्स्ट डिस्कशन करियो व्हाट इज नेटवर्किंग तो नेटवर्किंग को जो गोटे टेक्निक जा थ्रू रे हमें कौन कर चंते गोटे कंप्यूटर से ता गोटे कंप्यूटर किबा मल्टीपल कंप्यूटर से तो मल्टीपल कंप्यूटर का कनेक्टिविटी कर थांते किबा लिंक कर थांते ओके व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दैट टू ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड दैट एंड मे बी योर सिस्टम और मे बी अ पर्सन जदि आम ये गोटे पर्सन को इनक्लूड कर सोशल नेटवर्किंग ओके पर्सन टू पर्सन आम कम्युनिकेशन रहा सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया थ्रू रे आम कम्युनिकेट होता लाइक वाइज आम जब कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्टिविटी कर कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते ओके तो जब नेटवर्किंग कनसेप्ट तो निहाती भाव से कनसेप्ट कौन आस इंटरनेट यूज हो इंटरफेस हिसाब से आम ये कौन कर इंटरनेट को यूज कर तो गोटे कंप्यूटर आ गोटे कंप्यूटर को लिंक कर कम्युनिकेशन तार आंसर कौन हम नेटवर्किंग नेक्स्ट डिस्कस करद पेयरिंग क्या क्या जाए जानवे टे पेयरिंग इज अ लाइक बॉन्डिंग मीन्स आम ये क्या सहित कनेक्शन करट मे बी गोटे डिवाइस सहित आ गए डिवाइस ओके ऑथेंटिकेशन या कन्फर्मेशन आम कौन करते भितर बॉन्डिंग करते दैट बॉन्डिंग इज नोन एज योर हियर पेयरिंग नेक्स्ट वन इज योर इंटरफेसिंग basically interfacing is a medium or channel through which we can communicate with that may be your device hai pare ki ma user hai pare for example operating system jodi ame consider kariba to operating system ka ame ko koi thanti it is an interface between interface ra concept ase la interface between user and the system okay to taka bhitre je interaction karo je communication karo je that is called as your operating system okay इंटरफेस गोटे कोई हिसाब से काम कर चैनल हिसाब से मीडियम हिसाब से टेक्नोलॉजी गोटे यूज हो कम्युनिकेशन नेक्स्ट वन इज योर असेंबली सो बेसिकली असेंबली इज द अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस मीन्स आम जो गोटे सिस्टम मन डेस्कटॉप गोटे एग्जांपल नबा डेस्कटॉप जो कम्प्लीट के ओनली तो आम मॉनिटर या माउस कनेक्ट करदे तो होनी ओके तो सहित आहरी एक्सट्रा डिवाइस रोचे तुम मॉनिटर रहा माउस रहा कीबोर्ड रहा सीपीयू रहा टोटल कंप्लीट पैकेज है कंसीडर कंप्यूटर सिस्टम देन प्रॉपर्ली अरेंजमेंट रोचे देन जाए कंप्यूटर सिस्टम कहीपरचे सो असेंबली इज द अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस प्रॉपर्ली अरेंजमेंट करा सो दिस क्वेश्चन आंसर इज नेटवर्किंग नो दैट नेक्स्ट The most important or powerful computer in a typical network is. तो देखिए बाप first of all हम discuss कर दो desktop कौन? Desktop otherwise known as your personal computer. कोई तो पाइ use हो ची normal purpose पाइ basically single user. माने गोटे system में हम कहते हैं ना use करी पर personal computer single user ही use करी पर ये गोटे time रे okay. Next one is your network client. तो तापर गोटे कनसेप्ट बुझे देवा को चाहूँ एक्चुअली आम कहे डाटा कौटे अच्छे आम कहुए कि आम सर्भर रु डाटा थाए बोले कहुए कौटी सर्भर रु बट पर्टिकुलरली कौ जगार अच्छे डाटाटा तो मुझे कनसेप्ट बुझाऊँ मन कर मुझे गोटे हूँ क्लाएंट ओके क्लाएंट कि कहि गोटे मुझे यूजर कौन यूज करुच्ची ओके मो डाटा दरकार अच्छे मो डाटा कौटू आनबी ऑब्वियसली वेब ब्राउजर थ्रु रु ब्राउज करके सर्च इंजिन थ्रु रु तो मुझे जो यूज करते मोर रिक्वायरमेंट कौन रोच इंटरनेट विदाउट इंटरनेट इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट नो तो ये मुझे ब्राउजर सहित किसी ब्राउज कर सर्च कर रिक्वायरमेंट कौन रोच मोर इंटरनेट ओके देन ब्राउजर क्या रिक्वेस्ट करेब
सर्वर को रिक्वेस्ट करछि कोथि पई मते डाटा दरकार बिकॉज़ मोर क्लाइंट मते मांगे छि डाटा बट वेब सर्वर डाटा कोठि थाय बोली कह जाय डेटाबेस रे थाय बोली कह जाय तर गोटे आउ गोटे एग्जांपल दे दो छि मे बी क्लियर रहि जइबो मने कर मो गोटे यूजर मते कोन दरकार डाटा बेसिकली हमर कोठि थाय कह जाय बुक्स रे थाय हमर डाटा इनहेरिट रहि थाय बुक्स छु बुक्स कोठि थाय तमरो लाइब्रेरी रे थाय ओके लाइब्रेरी पाई गोटे सिक्योरिटी किए था लाइब्रेरियान था कि सिक्योरिटी था ओके तो बेसिकली मुझे एंट्री करने कौन दरकार मोर आईडी दरकार ऑथेंटिकेशन और इंटरफेस मोर कौन दरकार आईडी दरकार मुझे यूजर आईडी देखली क्या देखली लाइब्रेरी को देन से मत कौटी एंट्री कराइले लाइब्रेरी एंट्री कले तो मोर मेन पर्पज कौन मोर डाटा आने अच्छे कौटू आम डाटा आने बुक्स टू एक्जाक्टली दैट कनसेप्ट मुझे गोटे क्लाइंट कि यूजर रिक्वेस्ट करेब ब्राउजर को ब्राउजर थ्रू रे मुझे सर्च करुच्ची भी डाटा हो इनफर्मेशन हो किसी भी मत एनिथिंग इनफर्मेशन मुझे कौट पाऊँ वेब ब्राउजर रु ओके नेक्स्ट वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट कर वेब सर्वर जो डाटा स्टोर है ओके एंड पर्टिकुलरली वेब सर्वर डाटा कौटू आणुच्ची डाटा बेस रु लाइक बुक करे नेक्स्ट जिते बे कलेक्ट कला डाटा डाटा बेस रु देन सर्वर क्या पठाऊ ब्राउजर को आगे ब्राउजर सेंड कर क्लाइंट को तो बेसिकली आर्किटेक्चर को भी कौन कहुए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या डिस्क्रिप्शन देदेली शॉर्ट फॉर्म रे कराए बस मेंशन होता है वेब सर्वर एंड बस शॉर्ट फॉर्म टाक कहुए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो ये कॉन्सेप्ट रु जान पार कि कौटा पावरफुल मेनली आम डाटा कौटू आसी कह वेब सर्वर रु जो टोटल डाटा स्टोर रही ओके ये कलेक्ट करके डाटा आणुच्छे कौट डाटाबेस रु तो सब मोस्ट पावरफुल इज योर नेटवर्क सर्वर ओके तो ये नेटवर्क क्लाइंट कौन जानले नेटवर्क सर्वर कौन जानले नेटवर्क जान नेटवर्क सेक्शन कौन नेटवर्क कनेक्टिविटी हूँ गोटे एंड रु आ गोटे एंड को जाऊँगी गोटे सिस्टम आ गोटे सिस्टम को जाऊँगी तो जो जाऊँगी से ही भितर कि तुम पार्ट रोचे से पार्ट को कौन कर गोटे पोर्सन हूँ नेटवर्किंग रोटे पोर्सन रोच दैट पार्ट इज कॉल्ड एज नेटवर्क सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिक कंपोनेंट नेसेसरी फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन ए कंप्यूटर इज तो कौन से डिवाइस हो पाए जहाद्वारा आम कौन कर डाटा कम्युनिकेशन कर कंप्यूटर सहित तो फास्ट जानवर कंप्यूटर टर्मिनाल कौन एटा हूँ गोटे इलेक्ट्रोनिक कि इलेक्ट्रो मेकानिकल हार्डवेयर डिवाइस काम कौन आम आप थ्रू रे डाटा एंट्री कर था कंप्यूटर टर्मिनाल थ्रू रे तो यू जापारे कि तो आम आंसर कौन हो जापति भाव कि कंप्यूटर टर्मिनल थ्रू रे भी आम कौन कर कम्युनिकेशन करके नेक्स्ट देखा कि मॉडेम कौन मॉडेम जानी कौन मॉड्यूलेटर एंड और डीमॉड्यूलेटर बोली कह जाए मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर काम कौन एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल किंबा डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन भी कराई अच्छा ये पार्ट भी कम्युनिकेशन हो कहीं जो कन्वर्जन करनालॉग टू डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन होता कौन हो डाटा ट्रांसमिशन हो तो डाटा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन भी हूँ नेक्स्ट देखिए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन यूज होते आम क्या सहित गोटे सिस्टम आ गए सिस्टम सहित एक्सचेंज कर फाइल हो मेसेज हो टेक्स्ट हो एनी इनफर्मेशन तो से किसी गोटे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज पर्पस कौन कम्युनिकेशन ऑब्वियसली कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसमिशन ये भी हो गला तो आंसर कौन हम ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ तो नेटवर्क तो जान ले कि मल्टीपल सिस्टम सहित मल्टीपल सिस्टम कनेक्टिविटी को कौन कह नेटवर्क बोली कह जो कनेक्शन क्या थ्रु रे हमारे इंटरनेट थ्रु रे हूँ कम्युनिकेशन मेन पर्पज कौन डाटा शेयरिंग ओके तो क्या वाइज आम नेटवर्क को कैटेगराइज कर साइज वाइज भी करते कौन साइज रोचे कौन रोचे
ସାଇଜ୍ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏରିଆ ବି ନେଇପାରିବା, କୋଉ ଏରିଆ ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି, ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି, ୱାଇଡ଼୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ରହୁଛି, ଓକେ ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ରହୁଛି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ରହୁଛି, ସେଇ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ରଖୁଛେ। ସାଇଜ୍ ହଉ, ଓକେ ସାଇଜ୍ କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରହୁଛି, କେତିକି ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସାଇଜ୍ ଉପରେ। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଯିଏ ବେଟର୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଥିବ ଦାଟ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ କଷ୍ଟଲିୟର। ଓକେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମର ରେଡିୟସ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ମ୍ୟାନ୍ ଏବେ କହୁଛି ଯୋଉଟା, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍, ତ ଆ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ୟାନ୍ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ କୁହାଯାଏ ମିନିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍ 1 to 6 kilometer ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଥିବ ସେଇ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦେନ୍ 6 to 100 kilometer ଭିତରେ ଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାନ୍। 100 kilometer ଏଭବ୍ ଥିଲେ ସେ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସେ ରେଡିୟସ୍ରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ୱାନ୍। ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଯେ ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେକର ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍, ତ ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ତ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଲି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତ ବେସିକଲି ମନେକର ମୁଁ ମନେକର ହଟସ୍ପଟ୍ ୟୁଜ୍ କଲି, ତ ସେଇଟା ବି କ'ଣ କହିପାରେ ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଯାହାଥିରୁ ତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛେ ନା ମୋବାଇଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଞ୍ଜ ଥାଏ ତାର 10 meter ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସିମିଲାରଲି ୟୋର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର। ଓକେ ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ଆମର, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଓକେ ସବୁ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଟୱାର୍କକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିପାରିବା। Next question, it refers to the set of rules that coordinates the exchange of information। ଯେମିତି ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ରେ ଗଲାପରେ ରୋଡ଼ରେ ବି ରୋଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି, ଯିବାର କି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ନା ସାଇଡ଼ରେ ଯିବା ନା କୋଉ ପଟେ ଯିବା, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ସଟନ୍ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି। ଲାଇକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କରୁଛନ୍ତି ଓଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ତାର ବି କିଛିଟା ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି। ନର୍ମାଲି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ରୁଲ୍ସ କୁହନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଇନଫର୍ମେସନ। ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପର୍ପଜ୍ ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ କ'ଣ, କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଓକେ ତେବେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ମୋଡ୍, ଓକେ କେତେ ମୋଡ୍ରେ କେତେ ୱେରେ ଆମେ ଡେଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରୁଛେ, କେତେ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିବ। ମାନେ କେତେ ଟାଇପ୍ରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିପାରୁଛେ, ଆକୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ମୋଡ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମୋଡ୍ ବି କୁହାଯାଏ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମୋଡ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ, ଦାଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଦାଟ୍ ହାଜ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍, ଦାଟ୍ ମେ ବି ୟୁନିଡିରେକ୍ସନାଲ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବାଇଡିରେକ୍ସନାଲ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବାଇଡିରେକ୍ସନାଲ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରେ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ବେସିକଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ମୋଡ୍ 3 types ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମୋଡ୍, ଆନଦର୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ହାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ମୋଡ୍, ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ହୋଲ୍ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସ ମୋଡ୍। ତ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ହବ କି ନ, 2 persons ଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ତ ଜଣେ ସେଣ୍ଡର ଥିବ ଅବଭିୟସ୍ଲି, ଆଉ ଜଣେ ରିସିଭର ଥିବ, ଆଉ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିବ, ଓକେ ଦାଟ୍ ମେ ବି ୱେର୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ୱେର୍ଲେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କନସିଡର କରୁଛି ଏ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡାଟା କାହାକୁ ବି କୁ, ତ ସେଇ ମୋଡ୍ ଯଦି ଆକୁ ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲେସ୍ ମୋଡ୍ ଦଉଛି, କେମିତି ହଉଛି, ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲି ଡାଟା ଏ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲା ବି କୁ, ବଟ୍ ବି ସେଣ୍ଡ କରିପାରୁନି ଏ କୁ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ୱାନ୍ ୱେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରେ। ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯଦି ଦେବି କିବୋର୍ଡ, ଓକେ କିମ୍ବା ମନିଟର, କିବୋର୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଓନ୍ଲି ଡାଟା ଦେଇପାରୁଛେ, ଡାଟା ରିସିଭ୍ କରିପାରୁଛେ କି ନ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ୱାନ୍ ୱେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ୱେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରେ ଆମେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିଲେ। ଲାଇକ୍ ୱାଇଜ୍ ମନିଟରରେ ଓନ୍ଲି ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଉଛି, ଇନପୁଟ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନ, ଇଏ ବି କ'ଣ ୱାନ୍ ୱେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲା। ଓକେ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମୋଡ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି,
वन वे आमे डाटा ट्रांसमिशन कर पाछे ओके नेक्स्ट मूव टू हाफ ड्यूप्लेक्स मोड एक्जाक्टली एटी भी अच्छा कितने जन तुम दी जन अच्छा किए जन सेंडर हो जन ऑब्वियसली रिसीवर सेंडर जो डाटा सेंड करुची क्या ए जदि सेंडर हला एटी बी हो कौन रिसीवर ओके बट ये प्रॉब्लम कौन हो हाफ ड्यूप्लेक्स रे ए सेंड कर देला डाटा क्या बी को सेंड कर देला बट एग्जाक्ट टाइम रे बी सेट कर डाटा ए को तो जिते सेंड कर डाटा ये है रिसीवर जिते ये बी सेंड कर डाटा ये है सेंडर एंड दिस वन इज योर रिसीवर ओके मैं ये कौन हो बोथ वे रे हमें डायरेक्शन रे बोथ डायरेक्शन रे हमें डाटा ट्रांसमिशन कर बट वन एट ए टाइम मानते गोटे टाइम रे थरे ही जन काम कर पारिबो ओके एट ए टाइम दिज को डाटा ट्रांसमिशन कर पारिबो आर एग्जांपल नबा कोन वॉकी टॉकी बेस्ट एग्जांपल वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी गोटे डिवाइस देखि थिबे समस्ते ब्लैक कलर मोबाइल टाइप रेटा डिवाइस थी डेटा ट्रांसमिशन हो बट एट ए टाइम जमें मोबाइल कथन सेमती एट ए टाइम डाटा ट्रांसमिशन बहुत वे हो पारे जमी मोबाइल रे कौन है फुल ड्यूप्लेक्स एग्जांपल हो डिस्क्राइब कर दो ए आगे बी सेंड कला ये है कौन सेंडर ये रिसीवर ये कौन हो बोथ वे डायरेक्शन रे बोथ टाइम रे गोटे सिंगल टाइम रे सेंडर कला रिसीव सेंडर जिते सेंड कर ए सेंड कला देन बी रिसीव कला जिते बी सेंड कर एग्जाक्ट टाइम रे ए रिसीव कर माने बोथ वे रे हो एज वेल एज साइमल्टेनियसली हो एग्जांपल कहते कौन मोबाइल कम्युनिकेशन ओके तो कौन हो टू वे डायरेक्शन रे हो साइमल्टेनियसली हो बट वॉकी टॉकी रे कौन हो टू वे रे हो बट वन एट ए टाइम आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन तो एबे हम डिस्कशन करथले ट्रांसमिशन मोड रो तो सही पार्ट रे क्वेश्चन मोड आछी कोन तमरो अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस ट्रांसमिशन अच्छा टेलीविजन रो जते सिग्नल सम डाटा दे पर चंदी कि नो तो ऑब्वियसली एटा को मोड रे हम आंसर सिंप्लेक्स मोड रे हो कैन सिंप्लेक्स मोड रे कोन होची ए रहुचि बी रहुचि डाटा सेंड कर देला बट डाटा रिसीव करि पानि त टीवी रे जतर आछि ब्रॉडकास्टिंग जतर होचि कोन आमे आमे जति टीवी हमकु किछि सिग्नल दहुचि आमे कोन रिसीव करि पानि बट ताको आमे किछि सिग्नल सेंड करि पानि त एटा को डायरेक्शन तमरो को वे ट्रांसमिशन हबो सिंप्लेक्स मोड रे ओके तपुर जानदेव ये तो आम जानते फुल डुप्लेक्स कौन भी जानते हाफ डुप्लेक्स कौन जानते ओके नेक्स्ट जानवा कौन मल्टीप्लेक्स मल्टीप्लेक्स जानते कि मूवी थिएटर कम्प्लेक्स विथ मल्टीपल स्क्रीन गोटे जगह सिंगल कम्प्लेक्स विजिबिलिटी होता मल्टीप्लेक्स कह जाए बेसिकली मूवीज हल यूज कर मल्टीप्लेक्स कहुए गोटे स्क्रीन विजिबिलिटी होली नेक्स्ट Next question, a half duplex communication channel that permits information to travel. एबे जस्ट आमे डिस्कशन करथले को हाफ ड्यूप्लेक्स रे कोन होची ओरे सेंडर अछि अगेन इज अ रिसीवर दैट जति ये हला सेंडर ये हला ऑब्वियसली रिसीवर हाफ ड्यूप्लेक्स रे कोन होची डाटा सेंड हे गला बट नॉट वन एट ए टाइम तो ऑब्वियसली आंसर कोन हो बोथ वे बट नॉट एट वन्स जति बोथ वे एट वन्स हे कोन हो सिंप्लेक्स है जो ओके वन डायरेक्शन ओनली सेमती तो किसी ना वन डायरेक्शन ओनली वन डायरेक्शन रे हाफ ड्यूप्लेक्स होची बट ता सते कोन रहूची वन डायरेक्शन रे सॉरी वन डायरेक्शन तमरो कोन रहूची सिंप्लेक्स भी रहूची ओके अब बोथ वे डायरेक्शन रे कोन रहूची तमरो सॉरी फॉर दैट फुल ड्यूप्लेक्स होची बोथ वे वन डायरेक्शन इज अ सिंप्लेक्स ओके आंसर कौन बी हो आंसर बोथ वे बट नॉट एट वन्स नेक्स्ट 88 क्वेश्चन
the sharing of a medium and its link by two or more devices called अच्छा तब फिर वो डिस्कशन कर दे व्हाट इज मॉड्यूलेशन एनकोडिंग लाइन डिसिप्लिन मल्टीप्लेक्सिंग कौन आगे जान दे तेन डिस्कशन टिके प्रॉपर्ली करबो कि मॉड्यूलेशन कौन बेसिकली मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग डाटा इनटू रेडियो वेव्स बाय एडिंग इनफॉरमेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल तो ये गोटे प्रोसेस मॉड्यूलेशन गोटे प्रोसेस जहाद्वारा कौन कर डाटा को कन्वर्ट कर रेडियो वेव्स रे कन्वर्जन कर ओके नेक्स्ट देखा एनकोडिंग कौन एनकोडिंग हूँ टू कन्वर्ट दैट मे बी मन कर हाई लिखुची कन्वर्ट हम कौन एनकोडिंग करी बाइनरी डिजिट रे कन्वर्ट हो से प्रोसेस टा कौन करे एनकोडिंग कर कन्वर्ट हो तुम जो गोटे फॉर्मेट रु आ गोटे फॉर्मेट को मैंने कोडिंग फॉर्मेट को कन्वर्जन हो जाए ओके तो तुम मॉड्यूलेशन रे कौन है कन्वर्ट हो डाटा शेयरिंग हो तो मॉड्यूलेशन भी हो ओके एनकोडिंग रे हो जहाँ भी डाटा दौर ताको कोडेड फॉर्मेट से भी कन्वर्जन कर ओके गोटे मीडियम हिसाब से लिंक करुच्ची गोटा भी देन लाइन डिसिप्लिन इज जनरली अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क अमंग डिवाइसेस बेसिकली आ काम कौन लाइन डिसिप्लिन रे जते बेले ट्रांसफर करचंदी डाटा या रिसीव करचंदी डाटा सब कंट्रोल करुची गोटे प्रॉपर वे रे मैनेजेबल फॉर्मेट रे रखुची दैट वन इज अ लाइन डिसिप्लिन तो तीनटा जाक जहाँ भी आम डिस्कशन करे सेटा दैट मे बी मीडियम हो या लिंक हो या प्रोसेस हो सब कौन कर लिंक कर ये सब तीन टा फॉर्मेट रे लिंक कर पाचंती ओके बट लिंक करले बट टू टू मोर डिवाइस से तो कौन कर पाना शेयर कर नांती बट कन्वर्जन होची प्रोसेस होची बट कौन कर पाना थे हमें शेयरिंग कर पाना थी लिंक ही होची बट शेयरिंग ही पाने बट मल्टीप्लेक्सिंग रे कौन होची हमारा मल्टीप्लेक्सिंग गोटे टेक्निक जो कौन कर कंबाइन एंड सेंड द मल्टीपल डाटा स्ट्रीम ओवर ए सिंगल मीडियम से कौन कर मल्टीपल सोर्स डाटा आणुची स्ट्रीम कर फुट स्ट्रीम कर सिंगल मीडियम थ्रू भी तो ये आम कौन कले मॉड्यूलेशन गोटे प्रोसेस जो थे आम डाटा कन्वर्ट करदे कन्वर्जन हो गला ओके कन्वर्जन हो गला लिंक है कन्वर्जन हो गला एनकोडिंग रे पुणी कौन है ट्रांसमिशन सॉरी ये भी कन्वर्जन हो गला लाइन डिसिप्लिन रे कंट्रोल हो गला बट मल्टीप्लेक्सिंग रे कौन है तुम जो कंबाइन डाटा टू और मोर मे बी डिवाइस मल्टीपल डाटा सोर्स गोटे सिंगल वीडियो रे हो तो ऑब्वियसली आंसर कौन हम मल्टीप्लेक्सिंग नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्सड यूजिंग टू बेसिक टेक्निक्स मल्टीप्लेक्स एबे डिस्कशन करथले गोटे टेक्निक जहाद्वारा आम कौन करचे कंबाइन करुचे मल्टीपल डाटा स्ट्रीम को गोटे सिंगल मीडियम रे कंबाइन करचंती तो बेसिकली तापर वो डिस्कशन करदा एफडीएम कौन फ्रिक्वेन्सी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग ता काम कौन एटा गोटे टेक्निक जो थ्री आम कौन करचंती कंबाइन सही जिनस कि कंबाइन करचंती वन टू मोर सिग्नल ओवर अ शेयर्ड मीडियम ओके नेक्स्ट एचडीएम इज जस्ट स्पेस डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग आ काम कौन हो जिते फिजिकल सेपरेशन हो एंटीनास माने मन कर एंटीनास गोटे फिजिकल डिवाइस कह जा पार जो थे आम कौन सिग्नल रिसीव कर डेलीवर करसली जहाँ जी दरकार डाटा स्ट्रीमिंग जहाँ दरकार से सैमटेनियसली डाटा स्ट्रीमिंग करके नेक्स्ट टीडीएम इज योर टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग ये गोटे मेथड कौन डाटा आम सेंड कर रिसीवर ओवर ए डिफरेंट पाथ और डिफरेंट सिग्नल और बट से ट्रांसमिशन है गोटे सिंगल पाथ रे आम कौन कर सिंक्रोनाइज्ड वे रे ईच वन सहित कम्युनिकेट ओके नेक्स्ट वन इज अ मक्स मक्स इज योर मल्टीप्लेक्सर आपको अदरवाइज कौन कह जाए डाटा सेक्टर बोली भी कह जाए डाटा सेक्टर बोली भी कह जाए ओके इट इज ऑल्सो डिवाइस से कौन करे सिलेक्ट करे कि सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट ना कौन देन ताको फॉरवर्ड कर थाए सिंगल लाइन रे ओके तो बेसिकली हमर एटी कोट बेसिक टेक्निक बोली को आजिबो तमरा
frequency division multiplexing and time division multiplexing. It will pass one error. Next question. The path or channel over which information moves from one location to another location is called. And it is a path or channel. कहाँ through रे गोटे medium through रे जाऊ छी ओके information move हो छी तापर ऊपर टिके discussion कर दो अच्छा आरा answer तो समझ जानते बे का द्वारा हो छी lines through रे तमन हो छी ए lines through रे कोन करचो दे हम गोटे way रो आ गोटे way को मैं communicate करचो ती कोति पाए information sharing पाए तापर discussion कर दो remote computer कोन remote computer actually refers to a software or operating system features भी कहि परबा ज्यादा कौन हो पर्सनल कंप्यूटर्स मैंने पर्सनल कंप्यूटर क्या कहते हैं डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रिमोटली रन हो पार गोटे सिस्टम भितर ओके जहाँ कि डिस्प्ले सेपरेट क्लाइंट डिवाइस अच्छी बोली भी कहा जाऊँ ओके मॉडेम इज योर ऑलरेडी नो दैट मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर काम कौन एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन यूज ओके File transfer, it is a technique or process through which we can send or receive kari paarche, transfer kari paarche anthi, any kind of file. Next question. A transparent DBMS. DBMS is your database management system. Okay. तो ट्रांसपेरेंट मैंने तारे जहाँ भी स्ट्रक्चर होची नॉर्मली हमें ट्रांसपेरेंट मैंने कौन जोड़ा देखा जानू तो ट्रांसपेरेंट हमें नॉर्मली कहाँ कोई बार जोड़ा हमें आई को विजिबिलिटी होनो तो लॉजिकली तो मैक्सिमम जैसे भी ने हमें सॉफ्टवेयर को कौन करी पा जानती फील करी पा जानती बस देखी पा जानती बट ये ट्रांसपेरेंट होची कौन फिजिकली जी हिडन थी तो देखिए ये ऑप्शन में किसी अच्छी कैन हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर नो keeps it logical structure hidden from user no keep its physical structure hidden from माने जोटा हमको देखा जानो तो physically जोटा हमको देखा जानो थियो that part is your hidden then that is called as your transparent database management system clear I think next question the most popular commercial database management system है जोटा मन रखिया पड़ेगा कौन Oracle तो फास्ट जानव माइक्रोसॉफ्ट कौन एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल इज योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ओके डेटाबेस लैंग्वेज एंड अनदर वन इज योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइएसक्यूएल इज योर माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सो मोस्ट पॉपुलर इज योर ओरेकल सो ओरेकल डेटाबेस इज अ मल्टी मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो कोई कंपनी ओरेकल कॉर्पोरेशन ओके it is basically used for running online transaction processing or data warehousing and mixed database workload. A regarding re amar kon Oracle language ko use kara jao chhi. Okay, database language ko. Okay, next question. Okay, dash is a set of program. Ye to samaste jane ke bhi niyati bhabre set of program is your software. You know that. Your collection of or set of programs is called as your software. Your collection of or set of programs is called as your software. This is used to handle any kind of device that may be. I'm so jaanthe software kete prakar achi gote achi system software aote achi application software. आउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें कहाँ पर डिपेंड कर ची सिस्टम सॉफ्टवेयर ऊपर है ओके तो ये तो आंसर जाने दे ले हार्डवेयर कोटा डोटा टेंजिबल सॉफ्टवेयर कोटा इंटेंजिबल डाटा कौन को आज रॉ फैक्ट और रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज योर डेटा एंड योर प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड एज योर इन्फॉर्मेशन योर प्रोसेस्ड और कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज योर इंस्ट्रक्शन अच्छा वन लाइनर गोटे दे दूँ ची बेबी समझ तो मन रख दे डाटा है ची रॉ फैक्ट डाटा को जेते हमें प्रोसेसिंग करचोंदे सेटा कोथरे कन्वर्जन हि जाउची इन्फॉर्मेशन रे आ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर फाइनली सॉफ्टवेयर बनी गला ओके आ भीतर कोन रहउची एल्गोरिथम ओके
step by step method through which we can solve any kind of problem is called as your algorithm. Program gote korchanti mane kon kichi gote problem heichi taku overcome kariya pai program banai chanti to se program ro se step by step method ro problem ro solution code thai tamara algorithm re thai instruction par etiki okay ei process re. Next, a database administrator position gote laguche munhyati bhabare se kon hetho person hi hei chanti okay. A database administration is a person it is a individual person takar responsibility kon कि कंट्रोल करचंती मैनेज करचंती मेंटेनेंस करचंती कोऑर्डिनेट करचंती ऑपरेशन ऑफ डाटाबेस जावे डाटाबेस रहूची से सब ऑपरेशन को मैनेज करचं सो एटा निहाते बारे गोटे पर्सन ही कर परबे सो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन प्रोग्राम हेते तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हेथांता ओके सॉरी प्रोग्राम हेते कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन हेथांता एप्लीकेशन नेथिले कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हेथांता ऑपरेटिंग सिस्टम हेथिले इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम नेक्स्ट मॉड्यूल व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग डेटाबेस डाटाबेस पाई कौन मीनिंगफुल ग्रुप को एट्रिब्यूट्स दरकार एट्रिब्यूट्स वैरायटी टाइप्स रो छि रिडंडेंसी दरकार डुप्लीकेट दरकार दरकार नहीं हमको एप्रोप्रिएट जोटा डुप्लीकेट न हो तो से डाटा दरकार नो इन एप्लीकेबल एट्रिब्यूट्स तो आंसर हबो ऑल ऑफ द अबव एट्रिब्यूट्स रे जाउ छि हमर कौन की जाउ छि तार स्ट्रक्चर भी जाउ छि प्राइमरी की फॉरेन की ठने की सब मैनेज करिया अपने तार नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मैचिंग पैरामीटर्स ऑफ ए क्वेरी ओके क्वेरी हेले ताको कोन कह जीवो टाइम सेट बोली कह जीवो ओ कह जीवो डाइन सेट सो डाइन सेट इज अ सेट ऑफ डाटा दैट इज डायनामिकली लिंक्ड बैक टू द डाटाबेस सब डाटाबेस माने ही तो कलेक्शन ऑफ डाटा बट इज अ डायनामिकली लिंक्ड बैक टू द डाटाबेस क्वेरी रे रिजल्ट जहां भी स्टोर हेतबो टेंपरेरी टेबल रे ताले कोन डाटा अपडेट हे परेनी डायरेक्टली यूजर घर हे परेनी तो डाइन सेट द्वारा कोन करथा थे हमें डायनामिक सेट द्वारा यू जी भी यूजर थिबो से कौन कर पारे व्यू कर पारे अपडेट कर पारे डाटा ओके जोटा डाइन सेट रे कंटेंट थिबो अच्छा तापर जान दो फील्ड कौन फील्ड इज ए सेट ऑफ डाटा वैल्यूज दैट मे बी सेम डाटा टाइप से तो गोटे टेबल सेम डाटा टाइप्स रे कलेक्शन को कहा जाय पारे फील्ड एंड क्वेरी क्वेरी इज अ सिमिलर एक्शन टू दैट द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द सॉर्ट ऑफ कर्ड कर्ड मीन्स योर क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट फंक्शन सहित एसोसिएटेड अच्छी व्हाट वन इज क्रड क्रड सहित एसोसिएटेड का किए क्वेरी कर्ड हूँ सर्टकट तार हूँ क्रिएट कर्ड क्रिएट सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट आर स्टैंड्स फॉर रीड एंड यू स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड लास्ट वन इज डिलीट कर्ड बोली फंक्शन ओके Query is similar reaction and closely associated with sort of CRUD, C-R-U-D, CRUD. Next one is your record. Record is simply is a set of data stored in the table. For example, जदि गोटे customer record अच्छी, से record रो database रे कौन थी वो गोटे object थी वो, that can contains more than one values. Okay, that one is your record. Multiple values थी वो गोटे data, जब person रहो या किसी भी गोटे cell रहो, तारा multiple data थी वो. That one is your record. Which of the following is not aggregate function? First of all, we have to know that what is aggregate function. Actually, in database management, an aggregate function or aggregation function, aggregate or aggregation function,
ଯୋଉଠି କି ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରୋଜ୍ ଆର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଫର୍ମ ଅ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସମରି ଭାଲ୍ୟୁ। ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରୋଜ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ରଖିବାକୁ ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ବି ବାହାରି ପାରିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବି ବାହାରି ପାରିବ, ଆଭରେଜ୍ ବି ବାହାରି ପାରିବ। ଓକେ, ରୋରେ ଯାହା ବାହାରି ଥିବ ଆଡ଼ିସନ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ତାର ମିନିମମ୍ ଆଭରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ତ ତ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସରି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ରେ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଭରେଜ୍ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ବାହାରି ପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବ କି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଆନ୍ସର୍ ହବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା, ନଟ୍ ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା, ନଟ୍ ଇଜ୍ ତ ଆନ୍ସର୍ ହବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍। Indexes are used to arrange the database constraints such as, first janideva kon se sabu jinso, unique key hochi gote columns or set of columns that uniquely identify each record in a table, uniquely identify each record in a table। ତ ସବୁ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ୟୁନିକ୍ କି ରହୁଛି, ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ୟୁନିକ୍ ରେକର୍ଡ ରହୁଛି, ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଇମେରୀ କି, ଅ ପ୍ରାଇମେରୀ କି ଇଜ୍ ଅ କଲମ୍ ଅର୍ କଲମ୍ସ ଦାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦାଟ୍ ୟୁନିକ୍ଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଇଚ୍ ରୋ ଇନ୍ ଅ ଟେବୁଲ, ୟୁନିକ୍ଲି ରୋ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରେ। ପ୍ରାଇମେରୀ କି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫରେନ୍ କି, ଅ ଫରେନ୍ କି ଇଜ୍ ଅ ଫିଲ୍ଡ ଅର୍ ମେ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ସେଟା ରେଫର୍ସ ଟୁ ୟୋର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କି ଇନ୍ ଆନାଦର ଟେବୁଲ, ଅଲଗା ଟେବୁଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କି ହେଇଥିବ। ଓକେ, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ, ରେଫର ହେଇଥିବ ତା ସହିତ, ଦେନ୍ ଦାଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ଫରେନ୍ କି। ତ ନାଇଣ୍ଟି ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଡାଟାବେସ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ଚାର୍ଜ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି, ସବୁଥିରେ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ହାଇରାକିକାଲ ମଡେଲ, ହାଇରାକିକାଲ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ, ତାର ଥିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଥିବ, ଚାଇଲ୍ଡ ନୋଡ୍ ଥିବ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ରେକର୍ଡସ ର। ଓକେ, ଏଇଟା ଡାଟାର ଆମେ ତାର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚ୍ୟାନେଲ ରଖୁଛନ୍ତି। ହାଇରାକିକାଲ ମଡେଲ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ସେଟା କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ, ଟ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କି ହାଇରାକିକାଲ ମଡେଲ। ତ କୁହାଯାଏ କି ହାଇରାକିକାଲ ଡାଟାବେସ୍ ମଡେଲ ଇଜ୍ ଅ ଡାଟା ମଡେଲ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଡାଟା ଆର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ଏ ମ୍ୟାନର। ଓକେ, ଟ୍ରି ଟାଇପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ହେଉଛି, କୋଉ ହିସାବରେ ଷ୍ଟୋର ହେଉଛି, ଆଜ୍ ଅ ରେକର୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆନାଦର ଥ୍ରୁ ଏ ଲିଙ୍କ, ଦିଜଣ ଦିଜଣଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲିଙ୍କ ହେଇକି। ଆଉ ରେକର୍ଡ ଇଜ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ରେକର୍ଡ ହେଉଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଆଉ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ମିନିମମ୍ ତ ୱାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର ରହିଥାଏ। ତ ହାଇରାର୍କିକାଲ ମଡେଲ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ଟ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଡେଲ। ଓକେ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ ଇନଭେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ନେଟୱର୍କ ମଡେଲ, ଏଇଟା ତ ବାସ୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ହବ କ'ଣ, ଚାର୍ଲସ ବେକହାମ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।